कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलेगी किन्हें नहीं, इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई है। इसमें बताया गया है कि फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी, राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानों से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना जरूरी कर दिया गया है, थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। आइए जानते हैं कि सरकार ने किन किन चीजों पर पूर्णतः रूप से रोक लगा दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यातायात पर। हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर रोक, मेडिकल इमरजेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी, टैक्सी सर्विस सभी बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद, सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे और साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइंस में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानों, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियों चालू रहेगी, इनकी दुकानें भी खुली रहेगी। कटाई से जुड़ी मशीनें के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगेगी। इमरजेंसी के हालात में 4 पहिए वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही जाना रहेगा। दुपहियों से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट्री शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेगी। बैंक, ATM आदि भी खुली रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, LPG, पेट्रोल, डीजल सप्लाई जारी रहेगी। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी MCD के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी शामिल है, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। खाद्य प्रसारण, IT, हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईंट भट्टे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। लोगों को कम से कम असुविधा हो इसलिए सीमित गतिविधि की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किए जाने की शर्त पर। सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेज को छूट दी गई है। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है। सभी तरह की खेती बाड़ी को मुक्त रखा गया है। मंडियों को भी इसमें रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है। कृषि से संबंधित मशीन और कल पुर्जे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी और इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हो गई है।